हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डील करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बच्चों को इसमें क्वेश्चन होता है कि यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेनबो में होता है या नहीं होता है, राइट? क्योंकि हम जब लोअर स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे हम अगर 9th-10th में थे, राइट, तो लोअर स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ते थे कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देर आर 3 प्रोसेस टेकिंग प्लेस, राइट? तो रेनबो के फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन, फिर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर होता है एक डिस्पर्शन, ठीक है? तो ये सारे प्रोसेस को लेकर जो है मिलके क्या बनता था, एक रेनबो बनता था। और रेनबो भी दो टाइप के हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बट आज हम सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम रेनबो फॉर्मेशन नहीं सीखेंगे, वी विल सी दैट कि एक्चुअली में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है रेनबो में पॉसिबल है या नहीं। बिकॉज जब आप गूगल सर्च करते हो, गूगल सर्च में जब आप देखते हो कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो वहां पे जो है सिर्फ रिफ्लेक्शन लिखा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं लिखा होता है। तो सबसे पहली चीज आपको एक ये क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है, देन यू विल कम टू नो कि भाई फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज लिटरली पॉसिबल इन रेनबो और नॉट। ओके, तो हम कुछ करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं। पहला डायग्राम तो मैंने ये बताया कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? बहुत जल्दी इसको हम कवर करेंगे एंड देन वी विल गो टू दिस रेनबो फॉर्मेशन। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो मीडियम लिए हैं, राइट? ऊपर का मीडियम जो है हमारा एयर है, ठीक है? ऊपर एयर है और ये हमारा वॉटर है। नाउ सी, मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लिखे हुए हैं, ठीक है? दो कंडीशन है, कंडीशन फॉर TIR। TIR इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या है, लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है? सेकेंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, अगर मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, उसके लिए जो मेरा इंसिडेंट रे होगा, उसका जो इंसिडेंट एंगल बनेगा, वो इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। किससे? क्रिटिकल एंगल से। ओके, तो क्रिटिकल एंगल आई होप सबको पता है, नहीं पता है तो वी विल सी टू दिस, फटाफट कवर करते हैं इसको, देन वी विल मूव टू दैट। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, मैंने बताया ऊपर एक रेरर मीडियम में जो एयर है और एक डेंसर मीडियम में जो कि वाटर है। हमने वाटर के अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट लिया है, राइट? अब यहां से क्या हो रहा है कि मैंने इतना डिफरेंट डायरेक्शन दिखाया लाइट के, एट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट इज पासिंग। तो पहला आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा लाइट जो है कुछ अलग अलग रेज में जा रहे हैं। और जब लाइट इस रेरर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाते हैं, तो क्या होते हैं, वो ना बेंड हो जाते हैं। कहाँ पे बेंड होते हैं? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि लाइट जब भी डेंसर से रेरर मीडियम में जाता है, तो क्या होता है, इट मूव्स या इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो अब हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे आप जैसे पहली रे देख सकते हो, पहली रे स्ट्रेट गई और वो स्ट्रेट ही चली गई, यहाँ पे कोई भी मतलब डिविएशन नहीं हुआ बात में, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो इसका एंगल है वो जीरो एंगल है। इंसिडेंट एंगल क्या है, जीरो है। तो और इंसिडेंट एंगल जीरो कब होता है, इफ माय इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द नॉर्मल, ठीक है? उसके बाद जैसे से आगे जाएंगे तो इंसिडेंट एंगल ग्रेटर, मतलब यहां पे इंसिडेंट एंगल बढ़ते जा रहा है, ठीक है? हर पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उसके हिसाब से मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लाइट देखो बेंड बेंड होते जा रही है। और बेंड कहां पे हो रही है, टुवर्ड्स द सरफेस। अगर आप देखोगे ये फोर्थ वाली रे को, तो फोर्थ वाली रे जो है जब वो फॉल होती है इस सरफेस पे वाटर के, तो वो ना वाटर सरफेस से स्ट्रेट चली जाती है। तो जिस पॉइंट पे हमारे रिफ्रैक्टेड रे स्ट्रेट चली जाएगा, तो मतलब वहां पे मेरा एंगल कितना बन जाएगा, आर मुझे कितना मिलेगा, 90 डिग्री। एंड जिस पॉइंट पे मुझे आर 90 डिग्री मिलता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिलता है, उस पॉइंट पे जो मेरा इंसिडेंट एंगल होगा, उसको मैं IC से डिनोट करूंगा। किसे डिनोट करूंगा, IC से। सो दिस IC इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, IC क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, कब बनेगा वो, जब मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री, तो उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो ये हम क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो रेज आ रही है, देखो क्रिटिकल एंगल के बाद जो रेज आ रही है, मतलब ये वाली अगर हम आई की बात करें, राइट, सो ऑब्वियसली ये जो आई है, ये आई ग्रेटर है आईसी से, ठीक है? तो अगर ये आई मेरा ग्रेटर है आईसी से, तो क्या होगा, अब इसके बाद जितनी भी रेज जाएंगी, आईसी के बाद जितनी भी इंसिडेंट रेज जाएंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और रिफ्लेक्ट ऐसे होंगी, टोटली रिफ्लेक्ट होंगी। एक होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन, बट ये है टोटल रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आधी रेज यहाँ चली जाती है, आधी रिफ्रैक्ट होती है, मतलब आधी रे रिफ्लेक्ट आधी रिफ्रैक्ट। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है टोटल रे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जितनी रेज आई है, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इन द सेम मीडियम, ठीक है, जो कि हमारा डेंसर मीडियम है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
और उसके लिए हमारे ये दो conditions होने चाहिए. If these two conditions are not satisfied, then we will not get total internal reflection anyway. Okay, अब आते हैं हमारे इस point पे. तो हमने यहाँ पे एक rain drop लिया हुआ है, as you can see here. देखो मैंने एक rain drop draw किया है and मैं अभी rainbow formation दो है मेरे पास, primary और secondary. But मैं अभी जो यहाँ पे कर रहा हूँ आपको, मैं primary rainbow से explain कर रहा हूँ एंड मैं आपको यहाँ पर जो है ना डिस्पर्जन नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे RA जो है वो मेरा इंसिडेंट रे है, AB जो है वो मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है. तो मैंने रिफ्रैक्टेड रे, अभी हमें पता जैसे ही लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होती है तो डिस्पर्स हो जाती है सेवन कलर्स में, तो मैं यहाँ पे सेवन कलर्स नहीं शो कर रहा हूँ. हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि हम एक ही कलर को लेके चलते हैं और उसी कलर को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वहां पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है. ओके, तो अब हम जरा डायग्राम को समझ लेते हैं, देन यू विल कम टू नो क्लियरली. ओके, तो अभी हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे. सी, दिस इज माई इंसिडेंट रे, आर ए जो है ये मेरा इंसिडेंट रे है, और जैसे ही ये रे अंदर जाता है, देखो एक्चुअली ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन क्या है, A to D जो मेरा डॉटेड लाइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट हैज अ टेंडेंसी टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर ऐसा रेन ड्रॉप नहीं होता तो ये लाइट ऐसे स्ट्रेट चली जाती, तो जो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया. बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन मीडियम जो कि ये रेन ड्रॉप से हुआ है, तो लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी. और लाइट कहाँ पे बेंड होती है, देखो अभी एक चीज सोचने वाली है कि लाइट अब यहाँ पे रेरर से डेंसर जा रहा है. यहाँ पे क्या था, डेंसर से रेरर था, तो जब डेंसर से रेरर था तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब रेरर से डेंसर जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब इसकी नॉर्मल कहाँ पर होगी, देखो अगर हमें किसी भी सर्कल में नॉर्मल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, लेट से मेरे पास एक सर्कल है, लेट से दिस इज अ सर्कल, मुझे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है, दिस इज माई इंसिडेंट रे. तो क्या करो, सेंटर से लेके एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये आपका नॉर्मल बन गया, ठीक है. तो जहां पे भी लाइट फॉल हो रहा है सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर, नॉर्मल होगा. तो ये मेरा सेंटर है, सेंटर से मैंने एक लाइन ले लिया, देखो ये OA, ठीक है, इसको और आगे एक्सटेंड कर दो, इसको मैंने जो है और आगे एक्सटेंड कर दिया. आई होप स्ट्रेट गया हो, नहीं, ओके, लेट्स से दिस इज माय एक्सटेंडेड पार्ट, ठीक है. तो ये मेरा नॉर्मल हो गया. तो अगर मैं यहाँ पे एंगल दिखाना चाहूं आपको, तो ये मेरा होगा एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, एंड दिस इज माय पॉइंट A, और ये मेरा इंसिडेंट एंगल हो रहा है. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लाइट है ये इतने एंगल से बेंड हो गई है, लाइट जो यहाँ पे क्या हो गया, इतने एंगल से बेंड हो गया है, ठीक है. एंड ये जो एंगल मुझे मिल रहा है, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके. सो दिस आर इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ व्हाट आई नो हियर इज दैट, मुझे ये पता है कि लाइट अभी रेरर से डेंसर चले गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया. अब देखो ये लाइट ना यहाँ पे फॉल हो रही है पॉइंट बी पे, ए से जो लाइट निकली वो पॉइंट बी पे फॉल हो रही है, और हमें पता करना है कि क्या इस पॉइंट बी पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है, ठीक है. तो इस पॉइंट बी पे हमें यही फाइंड आउट करना है, और हमने स्टेटमेंट में भी वही लिखा है, व्हाई टोटल इंटर रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. तो अब हम ना कुछ ज्योमेट्री से इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों पॉसिबल नहीं है. ओके, देखो मुझे ना इस पॉइंट बी पे, अगर मुझे इस पॉइंट बी पे अगर मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, ओके, इफ ऑन पॉइंट बी आई रिक्वायर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये दो चीजों का होना बहुत जरूरी है. और ये दोनों चीजें क्या है, कि लाइट जो है डेंसर से रेरर पास होनी चाहिए, ठीक है. तो अगर आप ए बी को देखोगे तो ए बी मेरा इंसिडेंट रे है इस पॉइंट पे, और लाइट जो है ये डेंसर से रेरर की तरफ बढ़ रही है, मतलब बी से आगे जाने वाली है, राइट. तो ये लाइट जो है डेंसर से रेरर जा रहा है, ओके. तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है मेरा सक्सेसफुल हो गया. सेकेंड की बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. अब यहाँ पे जो मुझे एंगल मिल रहा है, आई एम अज्यूमिंग इट, सी ये मेरा ऑलरेडी इंसिडेंट एंगल यहाँ पर है, लेट से मैं इसे आई वन ले लेता हूँ. आई वन क्यों लिया, क्योंकि मैं पॉइंट बी को अभी सरफेस अज्यूम कर रहा हूँ और ए बी को अभी मैं इंसिडेंट रे मान रहा हूँ, ठीक है. तो ए बी इज माई इंसिडेंट रे, एंड व्हेन माई इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द पॉइंट बी, तो उस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए यहाँ पे आई क्या होना चाहिए, दिस आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी, ओके. ये पॉइंट आई सी से बड़ा कैसे हो सकता है, अब हमें ये जानना जरूरी है, ठीक है. तो अगर मैंने इस पॉइंट को आई वन नाम दिया है, इंसिडेंट एंगल आई वन, तो अगर ये पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए, तो यहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए, सो फॉर गेटिंग टोटल, मैं इस पॉइंट को ऊपर लेता हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई वन विल बी ग्रेटर देन आई सी, ओके. ये हमारा कंडीशन हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, कंडीशन हो रहा है.
तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वो हम देखते हैं अभी। ओके देखो ये जो I1 है, ध्यान सुनना, ये जो I1 है, अब मैं अगर एक ट्राइंगल की बात करूं, मैं एक ट्राइंगल की बात करूं OAB, ध्यान से देखना, ट्राइंगल OAB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि OA और OB इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच आर सेम, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। तो अगर मैंने इसे I1 माना है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा I1, राइट, बोथ विल बी I1, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये I1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। ओके तो अगर ये I1 है, ये भी I1 है, तो इसका मतलब अगर इसे, अगर इस I1 को ग्रेटर देन IC होना है इस वाले, तो अगर ये ग्रेटर देन IC, ये ग्रेटर देन IC हुआ तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल ग्रेटर देन IC हुआ तो ये वाला क्या होगा, अपने आप ग्रेटर देन IC हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसे देखना है, क्योंकि ये जो एंगल है वो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, ये I1 जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, I के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो एंगल I1 है वो एंगल ग्रेटर देन IC है या नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। बट अभी कंडीशन ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे बोला है कि लाइट जो है डेंसर से रेयरर जा रहा है, बट यहाँ पे लाइट अभी रेयरर से डेंसर जा रही है ये वाली, तो ये एंगल मुझे मिल रहा है और इस एंगल से फिर मुझे ये एंगल मिल रहा है। तो अगर ये वाला एंगल इस पे डिपेंडेंट है और ये वाला एंगल इस पे डिपेंडेंट है, तो इस एंगल को ग्रेटर देन IC होने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा, और ये देखने के लिए मेरे पास एक कंडीशन क्या है, देखो कि ये जो I है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ध्यान देना, मैं इसे लिख देता हूं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ऑलवेज, सो माय आई इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, आई इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो आई है ना, ये आई कभी भी 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? अभी ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा रेन ड्रॉप है, अगर इस लाइट को अगर मैंने एक इंसिडेंट रे माना, ठीक है, इंसिडेंट रे 90 कब होगी, मुझे ध्यान से बताओ, इंसिडेंट एंगल 90 कब होगा, जब वो सर्कल को टेंजेंट होगा। देखो ये अगर एक सपोज इंसिडेंट रे, एक ऐसे इंसिडेंट रे आता है मेरे पास, लेट्स से दिस इज माय इंसिडेंट रे, ओके दिस इज माय इंसिडेंट रे, और ये पॉइंट है हमारा, अब ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, है ना, ये जो मेरा नॉर्मल है, क्योंकि मैंने नॉर्मल बताया था, नॉर्मल क्या करना है, जहां पे लाइट फॉल होती है सेंटर से वहां लाइन मार देना है, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, बाहर की तरफ ही ले लेंगे, अंदर नहीं लेंगे, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या आप मुझे बोल सकते हो कि ये लाइट अंदर जाने वाला है, क्या वो लाइट रिफ्रैक्ट होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज वेन एवर अ रे ऑफ लाइट इज मेकिंग अ टेंजेंट, सो दैट लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट इन टू द वॉटर ड्रॉपलेट, तो अगर वो वाटर ड्रॉपलेट में पेनिट्रेट नहीं हो सकता है, तो हमें बाकी का तो छोड़ो, हमें रिफ्रैक्शन भी नहीं मिलेगा, तो टोटल इंटरफेरेंस बात ही नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे हमारा जो आई होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 90। तो ध्यान से सुनना, अगर मेरा आई लेस देन 90 है, मतलब मुझे क्रिटिकल एंगल नहीं मिल रहा है, तो अगर ये लेस देन 90 है तो ये मुझे क्रिटिकल एंगल भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, ये मुझे क्रिटिकल एंगल भी नहीं दे पा रहा, तो उससे बड़ा एंगल क्या देगा, और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, आई जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो इफ दिस आई इज लेस देन 90, सो दिस I1 कैनॉट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ओके, सो I1 कान बी ग्रेटर देन IC, ठीक है, तो IC से ये I1 कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अगर ये I1 जो है IC से बड़ा नहीं है, तो ये भी I1 IC से बड़ा नहीं होगा, और अगर ये भी I1 IC से बड़ा नहीं है, दैट मींस इस पॉइंट पे मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सर वहां पे क्या होता है, तो वहां पे मैं बता दूं आपको, सिर्फ पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब क्या हो रहा है, यहां से कुछ लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो जाती है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है।
तो जो कुछ लाइट मेरी रिफ्लेक्ट हो जाती है वही लाइट हमें बाहर मिलती है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अच्छा जिससे आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन नहीं है। ओके, क्या आपने कभी रेनबो देखा है? अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो रेनबो कुछ ऐसा दिखता है, एंड यू हैव एवर इमेजिन कि रेनबो जो है ना वो कभी भी एकदम ब्राइट नहीं होता है, एकदम डल होता है। तो उनका डल होने का रीजन क्या है? बिकॉज देखो, ये जो इंसिडेंट रे अंदर एंटर हुआ है, ये मेरा व्हाइट लाइट है जो कि एक ब्राइट लाइट है, ठीक है? और ये ब्राइट लाइट में से 50% क्या हो जाता है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जा रहा है और खाली 50% रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसके वजह से लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हमें जो है लाइट जो है डल मिलता है, ठीक है? रेनबो जो हमें डल दिखाई देता है, एकदम ब्राइट नहीं दिखाई देता है, राइट? सो दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे हमने बाय ज्योमेट्री ये अंडरस्टैंड किया कि वाई द टोटल इंटर रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल, और उसका सिंपल रीजन था कि ये जो आई है वो कभी भी 90 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। बिकॉज अगर वो 90 से ग्रेटर नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे क्रिटिकल एंगल नहीं मिलेगा, और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल नहीं मिलेगा तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, जो कि मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब जरूर करना यार प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।